मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। गुरुवार को सूरत कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई। इस बीच पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी हर तस्वीर, हर ट्वीट और हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी नजर आईं। आज भी जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, तो बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भाई का साथ देती हुई नजर आईं। जब दोनों भाई बहन कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे तो आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने 1 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मंच पर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता बैठे थे। वहीं बहन प्रियंका गांधी मंच से दूर नीचे की तरफ एक कुर्सी पर बैठी नजर आईं। राहुल गांधी की 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे जैसे राहुल गांधी के तेवर बदल रहे थे, वैसे वैसे प्रियंका गांधी के भी चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। तस्वीर में कभी प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई नजर आई तो कभी प्रियंका गांधी के चेहरे से गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। बीते कुछ महीनों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि दोनों भाई बहन के बीच कितना अटूट प्यार और विश्वास है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने जब पहली बार 2004 में अमेठी से नामांकन भरा था, तब प्रियंका गांधी ने उनका परिचय कराया था कि ये मेरे बड़े भाई हैं। सियासी गलियारों में हमेशा से ये चर्चा रही है कि पिछले 19 साल में जब से राहुल गांधी सांसद बने हैं, तब से प्रियंका गांधी उनके हर भाषण को सुनने लोकसभा आती हैं। इस बीच कल जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, तो प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर गुस्सा निकाला। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो कि जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बाहर इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आज खड़े हैं। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।